शुरुआत भी धमाकेदार होनी चाहिए। मैं आमंत्रित कर रहा हूं गुजरात के इस चुनाव में सबसे अनुभवी, सबसे पुराने ऐसे नेता जिन्होंने घाट घाट का पानी पिया है, शंकरसिंह वाघेला। केम छो शंकर भाई, मजा से रजत जी के शासन में, इनके दरबार में अच्छा है, ये लोक दरबार है आपका। और भी इससे पहले कि मैं बातचीत का सिलसिला शुरू करूं, एक नजर शंकरसिंह वाघेला के पॉलिटिकल करियर पर। 77 साल के शंकरसिंह वाघेला गुजरात में सबसे सीनियर, सबसे अनुभवी एक्टिव पॉलिटिशियन हैं। तमाम उतार चढ़ाव देखे हैं, गुजरात के मुख्यमंत्री रहे हैं, गुजरात के हर इलाके को, वहां के वोटर्स के मिजाज को, मुद्दों को, राजनीतिक समीकरणों को और नेताओं को बखूबी जानते हैं। शंकर सिंह वाघेला की खासियत है कि वो वक्त को पहचानते हैं और उसके मुताबिक फैसला करते हैं। इसीलिए जनसंघ से राजनीति शुरू करने वाले वाघेला बीजेपी के सांसद भी रहे और कांग्रेस के भी, बीजेपी की सरकार में मंत्री रहे। जब बीजेपी ने मुख्यमंत्री नहीं बनाया तो अपनी पार्टी बनाकर मुख्यमंत्री बन गए, फिर कांग्रेस से एमपी रहे, केंद्र सरकार में मंत्री रहे, गुजरात विधानसभा में विपक्ष के नेता रहे। लेकिन कुछ ही महीने पहले वाघेला ने फिर से बगावत की, कांग्रेस छोड़ी। कांग्रेस के कई एमएलएज उनके साथ हैं। बीजेपी और कांग्रेस दोनों को करीब से देखने के बाद वाघेला ने अब नया विकल्प देने का संकल्प लिया है। गुजरात में भले ही कांग्रेस और बीजेपी की सीधी टक्कर हो, लेकिन वाघेला के विकल्प को नजरअंदाज नहीं किया जा सकता। तो आइए शुरुआत करते हैं तालियों से शंकरसिंह वाघेला के स्वागत से। शंकर सिंह जी, मेरा सौभाग्य है, आप बीजेपी में थे तब मैंने आपसे सवाल पूछे थे, आप कांग्रेस में थे तब आपसे सवाल पूछे, अब आप आजाद हैं, ज्यादा खुल के बोल सकते हैं। तो ये बताइए, वो सवाल जो सब पूछ रहे हैं, क्या होगा गुजरात में? देखिए, गुजरात में वोटर्स अपना भविष्य तय करना जानते हैं। समय समय पर गुजरात ने देश को दिशा दी है। 75 में मोरारजी भाई अप्पास पर यहां उतरे थे इलेक्शन के लिए, जनता मोर्चा जो 77 में जनता पार्टी बनी इमरजेंसी के बाद, तो गुजरात बार बार अपने देश को दिशा देती है, यही आज मौका है। फिर भी जब हमने कांग्रेस बीजेपी दोनों छोड़ दिया कि बहुत हो गया, एक्सपीरियंस तो लेना पड़ता है और किसी से इसके लिए अनुभव लेना पड़ता है, कांग्रेस छोड़ा, बीजेपी को पहले छोड़ा था, इसके बाद हमारे लोग गए कि क्या बीजेपी से लोग दुखी थे, कांग्रेस में जाना चाहते नहीं थे, क्या किया जाए, उस समय ये विकल्प का नाम आया। इसलिए जन विकल्प मोर्चा करके एक आखिरी प्रयोग जिसको मैं समझता हूं, और ये प्रयोग में एक भी कैंडिडेट को एक भी रुपया दिए बिना जाओ, फॉर्म भरो, लोगों के बीच जाइए, ये प्रयोग कर रहा हूं। इसलिए गुजरात प्रयोग भूमि है और ये प्रयोग चुनाव के बाद भी चलता रहेगा, रिजल्ट आए ना आए इससे प्रयोग नहीं छोड़ना चाहिए। लेकिन शंकर सिंह जी, ये सही है कि बहुत सारे लोग कहते हैं अगर कांग्रेस शंकर सिंह वाघेला को अपने साथ रखती, मुख्यमंत्री पद का उम्मीदवार बनाती, शंकर सिंह के कहने से उम्मीदवारों को टिकट देती, तो शायद कांग्रेस इस बार बाजी पलट सकती थी। बहुत अच्छा माहौल था, क्योंकि जो माहौल बिगड़ा था वो बीजेपी की हार्डकोर पाटीदार कम्युनिटी और जीएसटी के बाद बिजनेस कम्युनिटी, बीजेपी से दुखी लोग यहां कांग्रेस की ओर आ रहे थे, नहीं आ पाए। कांग्रेस को अच्छे ढंग से अगर आमंत्रित करती तो अच्छा माहौल बनता। ये जो आपने बताया, तो मैंने कांग्रेस को कहा था कि हमको सीएम नहीं बनना है, लेकिन कैंडिडेट्स के बारे में आपका डिस्टर्बेंस हमको नहीं चाहिए, वी नो किसको कहां कैंडिडेट बनाना चाहिए, दिल्ली से आएगा इसको यहां रखो वहां रखो। जस्ट टू पुट द रिकॉर्ड स्ट्रेट, राहुल जी ने कहा था कि यू गो अहेड, आई एम योर फ्रेंड सिटिंग इन दिल्ली टू सपोर्ट यू, एक भी कैंडिडेट के लिए हम डिस्टर्ब नहीं करेंगे, आगे बात नहीं चली अलग बात है, लेकिन हमने कहा एक भी पैसा नहीं लेना है, 90+ सीटें देंगे, हमको सीएम नहीं बनना है, इस समय मेहरबानी करके सब साथ में रहकर आगे चलिए, रिजल्ट अच्छा आएगा। आप जो कहते थे ऐसा रिजल्ट आ सकता था,
हाँ था पूरा हो गया, अब तो भविष्य की ओर देखना है। तो आपको चांस है कांग्रेस का? आई डोंट थिंक सो। मैंने उस समय कहा था कि कांग्रेस ने ही बीजेपी को जिताने की सुपारी ली है और ये प्रूव हो गया अभी जो हो रहा है वो इलेक्शन में जिस हिसाब से वो हो रहा है। आखिरी 11 इलेक्शन आने वाला था दिसंबर 17 में, दोनों पार्टियों को पता था, सबको पता था, क्यों होमवर्क नहीं किया? एक एक सीट पर चार चार कैंडिडेट, पांच पांच कैंडिडेट, सबको संभालिए, टिकट तो एक को मिलनी है, कौन संभालेगा? आज बीजेपी में भी कोई नहीं है, न कांग्रेस में है। कांग्रेस अपनी 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 ऑफिस के लिए इंश्योरेंस 2-3 करोड़ का, और बीजेपी रूलिंग यहां रूलिंग दिल्ली में, वो भी पुलिस बुलानी पड़ती, वो भी बीएसएफ। रजत जी मैं आस्किंग के भी ये पार्टी को क्या, क्यों कार्यकर्ता हमको मारते हैं, क्यों कार्यकर्ता ऑफिस तोड़ते हैं, क्यों कार्यकर्ता नेताओं की एफजी जलाते हैं, क्यों कार्यकर्ता टपली दाव करते हैं? कहीं सिस्टम फेलोर है? ये सिस्टम फेलोर का मेरा ये प्रयोग है। मेरी कितनी सीटें निकले न निकले सवाल नहीं है, आने वाले दिनों में कार्यकर्ता हमको मारे क्या, जो हमको पिता समान समझता है, पार्टी को मंदिर समझता है कि मंदिर है मेरा, उसको तोड़ेगा क्या? ये जो है ना, इसका सोचना चाहिए पूरे देश को। इस बार तो स्टेक्स दूसरे हैं, कांग्रेस को लगता है कि पाटीदार समाज जो नाराज है बीजेपी से उसका सपोर्ट मिल जाएगा। देखिए पाटीदार बहुत समझदार कौम है और हमने इनको कांग्रेस ओ थी पहले आई और वो ऐसे निकाली बहुत करके और फिर बीजेपी घुसाया था भाजपा उस समय, अभी भी नहीं निकलता है। आप समझिए आधे पाटीदार तो अभी बीजेपी में है और अभी इलेक्शन में है, तो आई डोंट थिंक कोई पाटीदार है नहीं है। इलेक्शन है, ये सिंबल होता है, ये पंजा है, कमल है, हमारा ट्रैक्टर है, तो उसमें लोग डिवाइड हो जाएंगे, कोई एक कम्युनिटी किसी के साथ जाने वाली नहीं है। देखिए कांग्रेस को लोग बड़े खुश हैं कि हार्दिक पटेल की सीडी निकली, हार्दिक पटेल के बारे में बहुत सारी बातें कही, तो भी जहां वो जाते हैं भीड़ तो आती है उनको सुनने के लिए, और हार्दिक पटेल तो पूरा कांग्रेस का साथ दे रहे हैं। देखिए देना इसमें कहां कहां ना किसी को कहे, देखिए मैं किसी के नाम में नहीं जाता हूं, लीडरशिप अपने आप नहीं बनती है। 1975 से पहले यहां नवनिर्माण आंदोलन हुआ था, एक भी नेता आज कहां है? नोबडी नोज इट। ये दिसंबर के बाद ये नेता कहां होंगे शायद ढूंढने पड़ेंगे, क्या करेंगे, कहां जाएंगे, कौन बुलाएगा, ये तो माहौल था, चल गया, मामला पूरा हो गया। अच्छा इलेक्शन के बाद जिग्नेश कहीं मिलेंगे वो दलितों के? कोई सवाल ही पैदा नहीं होता। देखिए इलेक्शन है, आपका मकसद इलेक्शन का है तो बेटर टू ज्वाइन कांग्रेस पार्टी, उस समय ज्वाइन करना चाहिए थे, लोगों के साथ चीटिंग नहीं करना चाहिए, डबल स्टैंडर्ड नहीं होना चाहिए, टिकट भी लेनी है टिकट नहीं भी लेनी है, लोगों को बेवकूफ बनाना है, कहने के बाद सोचकर कहना चाहिए कि ये करना है नहीं करना है, अभी पूरा हो जाएगा इनका इतिहास 17 के बाद। चलिए जिग्नेश का सपोर्ट नहीं, हार्दिक नहीं, अल्पेश कुछ काम आएंगे? देखिए कोई सवाल ही पैदा नहीं हो, देखिए पार्टी इतनी पुरानी पार्टी, मेरे को कहने में शर्म आती है कि इतनी पुरानी पार्टी, पार्टी को छोड़कर दूसरे लोग जिनकी कोई नॉन एंटिटी है इनके लिए इनके तलवे चाटेगी क्या? इनको शर्म नहीं आती है क्या? राहुल गांधी को इनके साथ बैठाकर राहुल गांधी की हाइट कम कर रहे हैं आप, इतने बड़ी पार्टी का इनके पास जाकर वही टिकट बांटेंगे क्या? तो आपने क्या किया, क्यों पार्टी चलाई थी आपने गुजरात में इतने साल? यही हमारा डिफरेंसिस था उस समय, हम कहते होमवर्क करो, होमवर्क होता तो ये हादसा न होता। आज तो लोग भागते हैं, प्रेसिडेंट को अंदर से लॉक करके पीछे से भागना पड़ता है, लोग हमला करते हैं प्रेसिडेंट के घर के ऊपर, व्हाट इज दिस भाई, ऐसा क्या पाप किया आपने कि आप बाजार में लोगों के सामने आकर बैठ नहीं सकते? देखिए आप तो कांग्रेस को बहुत भीतर से जानते हैं, आजकल कांग्रेस के लोग ये कह रहे हैं कि राहुल गांधी ये जो मंदिर जा रहे हैं इसका बड़ा असर होगा, छवि बदल जाएगी। देखिए ये जो है ना, एक क्रेडिट गोज टू नरेंद्र भाई, इन्होंने कांग्रेस को माइनॉरिटी बना दिया, माइनॉरिटी मतलब ऐसे भी माइनॉरिटी, तो माइनॉरिटी क्या करे, कांग्रेस का एक ही सपोर्ट ऑफिशियली वो मुस्लिम कम्युनिटी का रहा, इसे भागना नहीं चाहिए था। कांग्रेस का कोई कार्यकर्ता मुसलमान है तो मुसलमान शरीयत और सीयत से मुस्लिम दिखना चाहिए, इस्लाम का ये अंदाज है, तो इसमें हमको तकलीफ नहीं होनी चाहिए। कोई मुसलमान है, दाढ़ी है, टोपी है, तो दूर रहो, ये कांग्रेस को ये नहीं करना चाहिए। मंदिर में जाओ अच्छी बात है, तो मस्जिद में भी कहीं जाओ, हम गए थे दुनिया भर के मंदिर में, हम मीरा दातार भी गए, हम हाजी पीर भी गए, इसमें क्या है, जाना है तो पूरे जाइए, वोट लेने के लिए सॉफ्ट हिंदुत्व काम में नहीं आता है। वो जो होता है हंस जो है, न कौवा रहेगा न हंस रहेगा, ये बीजेपी की हिसाब से कांग्रेस की ये हालत कल हो जाएगी। बड़ी पुरानी कहावत है, कौवा चला हंस की चाल, वही तो, ये नहीं हो सकता, इसलिए प्रेम से जाना चाहिए, वोट लेने के लिए मंदिर मस्जिद नहीं जाना चाहिए। लेकिन
वो बहुत सारे लोगों के पास भी जा रहे हैं, जैसे सूरत के कारोबारियों के पास गया, लोग कह रहे हैं कि पहली बार राहुल गांधी को सुनने के लिए लोग आ रहे हैं, उनकी बात सुनते हैं लोग। देखिए वो राहुल जी जब गुड मैन, मैं इनको जानता हूं, आ गए राजनीति में कंपलसरी, हो सकता है दिल के साफ आदमी है, उसमें कोई वो नहीं कह रहा, लेकिन जहां भी पार्टी को लगता है कि लोग नहीं आएंगे तो छोटे गैदरिंग में ले जाते। राहुल गांधी की हाइट कम करने की क्रेडिट या डिसक्रेडिट कांग्रेस के दूसरे लोगों को जाती है। इनको बच्चों के साथ ले जाना, व्यापारी के छोटी मीटिंग में ले जाना, अरे बड़ी सभा कराइए, इनको दीजिए अच्छी ब्रीफ दीजिए, अच्छा भाषण का कहिए कि ऐसा ऐसा करना है, अभी इंप्रूविंग हो रहा है इनका, लेकिन होता रहता है। राहुल जी जहां भी जाते हैं तो दिल से बातें कर, डायलॉग आजकल काफी मारते हैं, जैसे गब्बर सिंह टेस्ट, अच्छी बात है, वो अंदर से आए तो अच्छी बात, किसी ने सिखाया है तो मतलब नहीं है, लेकिन अंदर से जब आए ये बात है तो अच्छी बात रहेगी। लेकिन ऐसी चीजों को कुछ फायदा होता है, ये जो डायलॉगबाजी पब्लिक में होती है, नरेंद्र मोदी का मजाक उड़ाते हैं, ये जो है ना, ये देखिए लोग समझते हैं, समझने के बाद ये जो धीरे धीरे प्रैक्टिस होती है, वो प्रैक्टिस में अगर आम प्रैक्टिस भी बन भी जाए तो गलत बात नहीं है, लोगों को नेगेटिव बात नहीं करनी चाहिए, किसी बड़े नेता का मजाक उसमें नहीं लेना चाहिए। हम भी कभी बात करते हैं तो लेकिन मीठी बात करते हैं, राहुल जी, सोनिया जी, अमित भाई, नरेंद्र भाई के नेगेटिव कभी नहीं कहेंगे, कहीं कहेंगे भी तो कड़वा नहीं होगा, शुगर कोटेड होगा थोड़ा भी, चाहे अंदर से बाद में कड़वा निकले, ऊपर तो शुगर कोटेड रहा। लेकिन वो तो ये कह रहे हैं कि नरेंद्र मोदी ने गुजरात का विकास ही नहीं किया। देखिए विकास तो बार बार मैं कहता हूं, लास्ट टाइम वाली बात मैं दोहराना नहीं चाहता, विकास प्रोसेस है, अगर ये विकास है तो कोई बीजेपी के लोगों को जनता के पास जाने की जरूरत नहीं है, अपने आप कमल पर बटन दबाएंगे, अगर विकास है तो लेट वोटर्स रियलाइज कि हमारा डेवलपमेंट हुआ है, डेवलपमेंट रूटीन है, गुजरात के ब्लड में है। आज जो है गुजरात वो कोई भी होगा, बीजेपी नहीं होती तो भी होता, कांग्रेस होती तो भी होता, ये प्रोसेस है विकास का। और मैं समझता हूं गुजरात बेसिकली सालों से, आज से नहीं, वेस्टर्न बेल्ट के हिसाब से, समुद्र किनारे के हिसाब से एक्सपोर्ट इंपोर्ट करना, साहसिकता, ये गुजरातियों के ब्लड में है। शेयर बाजार भी गुजरात को क्रेडिट जाती है, शेयर क्या लेना देना, हवाला शब्द हो गया गुजराती, अंग्रेजी में मान्य शब्द हो गया, यानी कि विकास तो हमारे ब्लड में है, उसका नाम आप विकास रखिए, कोई भी रखे, विकास जहां भी होगा तो व्हाट यू मीन बाय विकास, वो प्रश्न पूछेंगे तो हाँ वो ठीक है, इसलिए कोई वो बड़ी बात नहीं है, विकास इतना किया होता तो कोई भी नेता। वो बार बार कहते हैं कि नरेंद्र मोदी तो कुछ गिने चुने उद्योगपतियों के मित्र हैं, उनके फायदे के लिए काम करते हैं, गुजरात के फायदे के लिए काम नहीं किया। देखिए जो अंबानी है, धीरूभाई है, अदानी है, गुजरात के हैं, और धीरूभाई बीइंग अ गुजराती, इनकी इच्छा थी कि जामनगर में मेरी एक बहुत बड़ी रिफाइनरी हो, ऐसे इंडस्ट्री को सपोर्ट करना बुरी बात नहीं है, गुजरात के लिए सपोर्ट करना बुरी, इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट के लिए इंडस्ट्रियलिस्ट ही डेवलपमेंट करेंगे, उसमें संकोच नहीं रखना चाहिए, इनके लाभ के लिए आउट ऑफ वे जाकर गुजरात का अहित होता है, इनके हित के लिए वो नहीं करना चाहिए। मैं समझता हूं कि इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट के लिए इंडस्ट्रियलिस्ट को सपोर्ट की जरूरत होती है, गवर्नमेंट की सपोर्ट खास इनको चाहिए समय समय पर, अगर पॉजिटिव है तो उसमें सपोर्ट करने में कोई गलत बात नहीं है, 5 नहीं 15 भी इंडस्ट्रियलिस्ट होते हैं, सबको सपोर्ट करना चाहिए पॉजिटिवली। देखिए आप तो गुजरात को देख रहे हैं, यहां राजनीति को देख रहे हैं, उन्होंने एक इल्जाम लगाया कि 30,000 करोड़ रुपए एक कंपनी को दे दिए टाटा नैनो लगाने के लिए, वो फेल हो गई तो पूरा नुकसान हो गया गुजरात का। बात सही है, देखिए मार्केटिंग था, नरेंद्र भाई का मार्केटिंग था, टाटा मैं ले आया, मैं सानंद गया था, टाटा नैनो 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 नैनो, तो मैंने कहा 15 साल शादी के बाद किसी को बच्चा आया वो तो खुश होते है, तो टाटा क्या भांजा लगता है आपका, नैनो आया तो नैनो का क्या हो गया, कोई रूटीन नहीं, तो वो पैसे नहीं देने चाहिए थे, वो नैनो आज बंद है, वो मार्केटिंग था, नैनो का मतलब नहीं था, लेकिन पूरे गुजरात में नैनो नैनो नैनो, और बीइंग अ पारसी कम्युनिटी दे नोज गुजराती, तो छोटी कार को नैनो नाम दिया, नानी गाड़ी, तो छोटी कार को नैनो नाम दिया था, अभी भी प्रोडक्शन नहीं है और वो फेलोर कार हो गई, लेकिन बिना इंटरेस्ट को पैसे देना, इंडस्ट्री जो टाटा दूसरों को इंटरेस्ट लेकर फाइनेंस करता है, उस टाटा को गुजरात की प्रजा के हिसाब से विदाउट इंटरेस्ट लोन देना जो जरूरत नहीं थी, ये अपने और से कंडीशन सरकार ने, ब्यूरोक्रेट्स ने डाली, नहीं डालना चाहिए था, ऐसे पैसे देने की जरूरत नहीं थी, कोई डेवलपमेंट नहीं हुआ, वो जमीन थी, मैंने उनको एनिमल हस्बेंड्री के लिए यूनिवर्सिटी का प्रावधान उस न्यानों में रखा था, वो जमीन हेतु फिर नहीं किया चेंज, जो यूज जो होता है वो भी नहीं किया और न्यानों को दे दिया, ये मार्केटिंग था, सिर्फ मार्केटिंग था। आप अगर
कांग्रेस में होते इस समय तो राहुल गांधी को क्या सलाह देते, क्या रणनीति बनाते? देखिए सलाह देने के लिए हम तो उसमें उस चक्कर में नहीं पड़ते, सलाह कहीं सही निकले सही बात है, अगर उल्टा हो गया तो आपके ऊपर घा जाएगी कि आपने कहा और हमने किया, तो इज एबल सफिशियंट, इनको इनका इनका दिमाग चलता है किसकी सलाह किसकी। ये बताइए, मैंने सुना कि कांग्रेस के लोग उन्हें सलाह दे रहे हैं कि नरेंद्र मोदी पर हमले मत करो। नहीं नहीं, वो खुद का है, वो कांग्रेस ने नहीं कहा, वो खुद जस्ट फॉर योर इंफॉर्मेशन, एक दिन मैं इनके साथ बैठा था, मैंने नरेंद्र भाई के बारे में पूछा कितना गुस्सा है, नहीं है ऑन रिकॉर्ड आई एम सेइंग, मैंने कहा मेरा तो इनका पर्सनल रिलेशन है, मैं इनको प्रेम भी कर सकता हूं गुस्सा भी कर सकता हूं, आपको कितना गुस्सा है? राहुल गांधी ने कहा इतना भी गुस्सा नहीं है, इज अ थॉरो जेंटलमैन। ये खुद कहते हैं कि मोदी के बारे में अनाप शनाप मत बोलो, क्योंकि भाषण करने वाले जो भी लोग आएंगे सिवा नरेंद्र भी कोई दिखता ही नहीं है, इनको जितनी भी गाली देंगे तो लोग रिएक्शन में आते हैं। जैसे अभी इन्होंने कहा कि गुजरात का मैं पुत्र हूं, गुजरात को ये होगा वो होगा, तो ये जो बातें होती है रिएक्शन बाय प्रोडक्ट एंटी कांग्रेस होता है, इसलिए जानबूझकर इन्होंने कहा और अच्छा कहा, किसी के पर्सनल बारे में अभद्र बात है कि हाफिज सईद अगर छूटा उसके लिए भी नरेंद्र मोदी जिम्मेदार। देखिए वो तो कुछ भी होगा, आज हिंदुस्तान में जो भी होगा नरेंद्र मोदी जिम्मेदार है। सर्जिकल स्ट्राइक का भरोसा नहीं है, उसकी तस्वीरें मांग रहे हैं वो, ठीक है एक तरह जो भी हुआ ना, क्योंकि सर्जिकल स्ट्राइक जो है ना वो मैं समझता हूं कि वो आर्मी का बिजनेस है, पॉलिटिकल बिजनेस नहीं है, और सर्जिकल स्ट्राइक समय समय पर होती रहती है, इसका आर्मी को आर्मी कभी मार्केटिंग नहीं करती है, पॉलिटिकल पार्टी को इसका मार्केटिंग नहीं करना चाहिए। सर्जिकल स्ट्राइक किया है किया है, उसके बाद भी आप पर घुसे लोग और भी हमारे सोल्जर मारे गए उसके बाद भी, और सर्जिकल मामला जो जम्मू का इलाका है, मैं खुद पर्सनली वहां घुमा हुआ हूं, विदाउट क्राउडिंग आप चल नहीं सकते, खड़े होंगे तो दिखेंगे तो हेलीकॉप्टर से आप उतर नहीं सकते, ये भी जो हुआ मामला उसमें कभी डाउट्स नहीं करने चाहिए आर्मी के एक्शन के बारे में। और चुनाव का मौका मैं आपसे पूछ रहा हूं, ऐसे सारे इश्यूज उठाने से, हाफिज से इसका इशू उठाने से, सर्जिकल स्ट्राइक की बात करने से, डोकलाम की बात करने से, क्या राहुल गांधी को कांग्रेस पार्टी को फायदा होगा? नहीं ऐसे ऐसे देखिए ये फिर पोलराइजेशन हो जाता है, हिंदू मुस्लिम पोलराइजेशन का पाकिस्तान इंडिया इस हिसाब से अपने आप हो जाता है। डोकलाम का मामला अलग है, डोकलाम की चीज अलग है, चाइनीज का कभी भरोसा नहीं करना चाहिए। मैं वहां अरुणाचल भी डोकलाम के पास भी गया हुआ हूँ, रोहतांग पास भी गया हुआ हूँ, वो इलाका अरुणाचल का जो है चाइना क्लेम कर रहा है, चाइना पर भरोसा नहीं करना चाहिए। पूरे इंडियंस कोई भी पार्टी को हो रिगार्डिंग डोकलाम इज कंसर्न शुड स्टैंड यूनाइटेडली टू सपोर्ट द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। और अब राहुल गांधी को कांग्रेस का अध्यक्ष बनाया जा रहा है चुनाव से पहले, इसका फायदा हो सकता है कांग्रेस को? देखिए कांग्रेस को फायदा, कांग्रेस ये अपने आप चलने वाली पार्टी है, इनको इतने सालों से कुछ भी हो कोई फर्क नहीं पड़ता है, कांग्रेस शायद ए बी सी डी ई एफ जी एच आई जे के 15-20 कांग्रेस पार्टी बनी होगी, फिर भी कांग्रेस एक ही रहती है। राहुल गांधी को सोनिया जी की इनके स्वास्थ्य तबियत के हिसाब से 2 साल से अध्यक्ष बनाने की बात चल रही थी, और अभी मैं समझता हूं कि फुल फ्लेज वो अध्यक्ष बनेंगे। अध्यक्ष बनेंगे तो 2 स्टैंडर्ड होते हैं पावर के, सोनिया जी का राहुल जी का, इसमें एक ही केंद्र रहेगा, और वो राहुल गांधी का, तो कांग्रेस को और राहुल जी को फायदा जरूर होगा, क्योंकि 1 पॉइंट प्रोग्राम रहेगा, वो पावर पॉइंट एक रहेगा, दो 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 धरी नहीं होगी। एक तरह से अच्छा हुआ कि आपने कांग्रेस छोड़ दी, क्योंकि राहुल बनते तो शायद आपकी जगह न रहती वहां। ये मेरा तो अच्छा रिलेशन था, और जगह ही लोगों के दिल में रखना चाहिए, किसी के दिल में रहे ना रहे बड़ी बात नहीं है, जगह के लिए पार्टी में कभी कुछ नहीं करना चाहिए। आपको टिकट मिले न मिले, कहीं जगह मिले न मिले, लेट देम रियलाइज कि इनकी जगह यहां देनी है। नहीं, आप पर शक कर रहे थे ना कि आपकी अमित शाह से कोई डील हो गई है। देखिए अमित भाई हमारे यहां जब हम विपक्ष में थे तो नेचुरली वहां विधायक थे, और प्रदीप सिंह भाई जो देखते थे पूरा, बोला एक कप चाय आपकी पी जाए, मैंने बोला जरूर आइए, और वो जो चाय पीने आए तो वो डाइजेस्ट नहीं कर पाए। हम बीजेपी में थे, मैं इंदिरा गांधी को मिलने के लिए जाता था, मैं चंद्रशेखर जी को मिलने के लिए जाता था, कोई प्रॉब्लम नहीं होना चाहिए अगर हम ऑनेस्ट है तो। अमित भाई हमारे यहाँ आए, नथिंग रॉन्ग इन इट, इनको शक लगा कि अमित भाई का इनका सबके बीच बात होती है तो वहां कहाँ कॉन्स्पिरेसी होती है, तब से ये गड़बड़ हुई। तो कई कच्चे दिमाग के लोग हैं, इनके दिमाग में कुछ घुसा होगा कि कुछ न कुछ हो रहा है, और हुआ ना हुआ लेकिन अब तो हो गया, क्या करें अब। इसीलिए लोग सवाल पूछ रहे हैं। ट्विटर पर एक सवाल हमारे पास आया वो विक्रम शर्मा का, उन्होंने कहा कि लोगों को लगता है कि चुनाव में सिर्फ बीजेपी और कांग्रेस का मुकाबला है और शंकर सिंह वाघेला सिर्फ कांग्रेस के वोट काटने का काम कर रहे हैं,
वोट कटुआ कहते हैं, ये तो वोटर का अपमान है, ये मार्केटिंग का जो दिमाग पर असर होता है ना वही है। क्या मैं सबको कान में कहने वाला हूं कि बीजेपी को वोट दीजिए या कांग्रेस को वोट दीजिए? दिल्ली में जो केजरीवाल ने थर्ड फ्रंट खड़ा किया तो क्या वो बीजेपी या कांग्रेस के वोट काटने के लिए खड़े थे? ये ठीक है, बीजेपी कांग्रेस और बीजेपी का ही मुकाबला है, ब्रांडेड पार्टी है, करोड़ों रुपए का मार्केटिंग होता है, हमारा तो सवाल ही पैदा नहीं होता मार्केटिंग का। एक देला भी अगर कैंडिडेट को नहीं देना तो कहां लड़ेगा, फिर भी लोग आए। ये प्रयोग है मेरा, रिजल्ट से कंसर्न नहीं है, और ये प्रयोग मैं 18 के बाद भी चालू रखने वाला हूं, न सिर्फ गुजरात में, आपके पास भी आकर कहूंगा। शंकर जी, ये सही नहीं है कि आपने ऐसी जगहों पर उम्मीदवार खड़े किए हैं जो कांग्रेस के वोट काटेंगे जाति के हिसाब से, इलाके के हिसाब से? ऐसा नहीं है, देखिए वो लोग जो है ना वो अपने आप तय करते हैं। हमारा कोई कैंडिडेट प्रो बीजेपी प्रो कांग्रेस ऐसा नहीं है, लोग नए है, कांग्रेस के बीजेपी के साथ जुड़े हुए लोग नहीं है, नए लोग है, अच्छे लोग है, और वही लोग विदाउट पैसे जाकर फॉर्म भरा है इन्होंने, एक भी कमिटमेंट पैसे का नहीं दिया है, ये बड़ी बात है। पार्टी अगर खर्चा नहीं करेगी, कैंडिडेट को पैसे नहीं देगी, तो कोई कैंडिडेट बनेगा ही नहीं, यहां लोग बने। आप बार बार पैसे की बात कर रहे हैं, तो आपको क्या लग रहा है कि कांग्रेस और बीजेपी वाले काफी पैसे खर्च कर रहे हैं? देखिए मैं हिसाब तो दे नहीं सकता, लेकिन ये 200-300 करोड़ का कांग्रेस का हिसाब हो सकता है, बीजेपी का 500 करोड़ का हिसाब हो सकता है। मैं आपको पूछता हूं कि चुनाव में 500 करोड़ खर्चा करना है, कांग्रेस को इतने करोड़ खर्चा करना है, कहां से लाएंगे आप इतने पैसे? क्यों मार्केटिंग करते हैं आप? क्यों लोगों के दिल में बिना पैसे आप नहीं कर सकते? ये सिस्टम फेलोर पार्टियां है सब। अगर खर्चा करके ही तो खर्चा तो पैसा तो सब जगह बोलता है, अगर पैसा ही बोलेगा तो लोग बोलते बंद हो जाएंगे। ये पैसे जहां से भी आएंगे तो वो मौका आने पर मांगेगा, हिसाब लाओ, बत्ता मारो, यहां आप अथॉरिटी है, साइन प्लीज इन माय फेवर, ये मामला है, वो नहीं होना चाहिए। कहां से पैसे आते बताइए आप? दोनों पार्टी को मैं अच्छी तरह से जानता हूं, हमने भी लोगों को कहा है पैसे दीजिए दिए, लेकिन मौका आने पर हिसाब मांगते लाओ, वापस लाओ, यहां दस्तखत करो, ये करना है, टैक्सेस फ्री करो, ये करना है, रिलायंस हो, अदाणी हो, अंबानी हो, सब आई नो देम। तो आपको तो कोई पैसे दे नहीं रहा होगा? मैंने किसी से पैसे मांगे ही नहीं, और मांगता तो ना नहीं देते। हमने इनको इतने ऑब्लाइज किए हैं, एक भी पैसे दिए बिना। टोरेंट को हमने अहमदाबाद एईसी कंपनी दिया पावर की, एक भी देला नहीं लिया। अदाणी का पायोनियर मुद्रा में हम रहे, एक भी पैसा नहीं लिया। आज कहते तो 2-5 करोड़ देते नहीं देते ऐसा नहीं, लेकिन एक भी किसी को हमने फोन भी नहीं किया, एक भी पैसा पूरे गुजरात में किसी से नहीं लिया, और स्पेशली इतनी मेरी पब्लिक लाइफ में एक भी पैसे का करप्शन, एक नए पैसे का, कोई भी बोले सूरत को इतना लाभ दिया तो कांग्रेस के लिए भी सूरत में एक भी पैसा किसी से नहीं लिया। जीरो एक्साइज रिजीव हमने सूरत को टेक्सटाइल इंडस्ट्री को दिया था, ये पब्लिक लाइफ शुड बी क्लियर। लेकिन आप कह रहे हैं कि आपने इन उद्योगपतियों को जगह दी, उनको हेल्प किया, मदद की बगैर पैसे के, लेकिन राहुल गांधी तो कहते हैं ये अंबानी अडानी सब मोदी जी के साथ ही है। देखिए डेवलपमेंट के लिए जरूरी है, ये जो अदाणी आज है वो क्रेडिट गोज टू मुद्रा, और वो साहसिक आदमी है, जैसे धीरूभाई थे, धीरूभाई का शुरुआत जो हुई मुंबई और यहां से, उस समय भी अडवाणी जी अटल जी का पूरा समर्थन रहा कि अच्छे इंडस्ट्रियलिस्ट हो तो इनको सपोर्ट करना चाहिए, लेकिन सपोर्ट में कोई इंडस्ट्रियलिस्ट आपका थप्पा लग जाए इसके आदमी है वो ठीक नहीं होता है। बहुत सारे लोग यहां है जनता जो सवाल पूछना चाहते हैं। किशोर मकवाना जी, बाबू आपसे एक सवाल पूछना है कि सभी पार्टी ने उम्मीदवार घोषित कर दिए हैं तो आप किसे जिताएंगे, भाजपा को या कांग्रेस को, या आपके ट्रैक्टर में कौन बैठेगा? देखिए ये जो है ना रिजल्ट तो सबको मालूम, अभी तकरीबन 2 दिन में हो जाएगा कहा क्या होने वाला है। सवाल ये है कि कंसेप्ट जो है कि यू सिलेक्ट योर कैंडिडेट, आज लोगों को कोई नहीं पूछता, पार्टी वर्कर को भी कोई नहीं पूछता, यू इलेक्ट द कैंडिडेट। हमने जो नाम आए हम क्यों बाद में नाम एडवांस में नाम डिक्लेयर करें, 2 दिन बाद में डिक्लेयर करें, क्या फर्क पड़ता है? पेपर में नाम आने के अलावा फर्क क्या पड़ता है? लोग इसमें भागीदार होते हैं कि हाँ ये हमारा आदमी है। सिलेक्ट योर कैंडिडेट, इलेक्ट हिम और हर, हैव द मेजोरिटी, रूल द स्टेट ने सॉल्व द प्रॉब्लम। एक कंसेप्ट नहीं आएगा तो पार्टी आएगी, पार्टी जाएगी, लोग वोटिंग के बाद पछतावा के अलावा कुछ नहीं बचना है। आप कौन होते हैं कैंडिडेट के ऊपर सिक्का मारने वाले, जो बिल्कुल बिल्कुल थर्डक्लास लोग है, क्रिमिनल लोग है, चापलूस लोग है, इनको टिकट मिलती है तो कौन जिम्मेदार है सिवाय कमान? लोग कहां है इसमें?
उस समय मैंने कहा था कि जब डिक्लेयर होगी तो एक दूसरे का गला पकड़ेंगे। क्या बचा है बताइए, बीजेपी या कांग्रेस में गला पकड़ना है ना, तो ये लिस्ट तो सेकंड मैटर है, लिस्ट देने से क्या फर्क पड़ता है। इसलिए कांग्रेस या बीजेपी को जिताने के लिए नहीं, गुजरात की जनता में देश में एक प्रयोग हम कर रहे हैं, बिना पैसे लोग फॉर्म भरते हैं, बताइए बिना पैसे कोई आगे भी नहीं। प्रयोग तो आप कर रहे हैं लेकिन ये तो आप भी जानते होंगे कि अब बहुत सीटें नहीं आएंगी, तो सरकार किसकी बननी चाहिए गुजरात में? देखिए बनती तो लोगों की बननी चाहिए जो वोट करेंगे। भविष्य है 9 और 14 को, तो मैं भविष्यवेत्ता तो नहीं हूं, लेकिन कांग्रेस का हिसाब जो हुआ अभी 2 दिन में, मैं देखता हूं कि इधर से उधर 11th आवर टिकट का डिस्ट्रीब्यूट करना, इसका मतलब कि आपको मालूम नहीं था कि ये दिसंबर में इलेक्शन है। और 11th आवर का मेरा मतलब होता है कि आखिरी दिन है तो आखिरी दिन नहीं, 11-12 बजे नहीं, 3 बजे क्लोज होता है, तो 3 में 5 मिनट पहले मैंडेट देना, किसी को कहना कि तुम फॉर्म भरो, 3 में 10 मिनट पहले मैंडेट देना। लास्ट टाइम 28 कैंडिडेट 11th आवर चेंज किए, 11th आवर कई 5-7 मिनट में, तो एक क्यों भाई, हु यू टू डिसाइड कि इसको मत, उसको क्यों कहते जाओ तुम फॉर्म भरो बेचारा, माला लगाकर ढोल लगाकर आगे बढ़ो, हम तुम्हारे साथ है, इंतजार करता है कि मैंडेट आए, और मैंडेट लेकर कोई आता है तो बोला लाओ, नहीं ये तो मेरा मैंडेट है, ये तुम्हारा मैंडेट तो मैं क्या करूं, तो फिर उसको मैं हराऊंगा, आओ मैदान में। यही कांग्रेस का खेल शुरू हो गया अभी, और वो चलेगा 9 और 14। लेकिन जोश बहुत है कांग्रेस में, खासतौर से सोशल मीडिया में जिस तरह की बातें करते हैं, जब उन्होंने कहा नरेंद्र मोदी को तू चाय बेच। देखिए ये जो सोशल मीडिया है ना, इसके ऊपर कहीं ना कहीं तो अकाउंटेबिलिटी होनी चाहिए। मैं किसी का कार्टून गंदा नहीं कर सकता, किसी के बारे में अनाप शनाप नहीं लिख सकता हूं, गलत नहीं लिख सकता हूं। इतना चलता है अनाप शनाप, इसके ऊपर कंट्रोल नहीं होगा, कई लोगों के घर उजड़ जाएंगे, कई लोग बिना मतलब के आपघात करेंगे, कई लोगों का कैरेक्टर खत्म हो जाएगा, जिसका कोई धड़माथा ही नहीं है कहीं, तो किसने ये पोस्ट रखी, क्यों गलत रखा इसमें, इसका ये संबंध है, इसका वो है, उसका ये ठीक, कार्टून भी इतने गंदे कार्टून होते हैं। मैं मनमोहन सिंह जी और सोनिया जी, आपको नहीं अच्छे लगते ऐसे कार्टून? देखिए फर्ज कीजिए कि मनमोहन सिंह जी और सोनिया जी के कार्टून, हमको शर्म आती है कि ये थे किन बदमाशों ने ऐसे कार्टून, क्यों, व्हाई, व्हाट इज दिस, इज अ वेरी ऑनेस्ट मैन। एक ऑडियंस में जिनका नाम बड़ा इंटरेस्टिंग है, हार्दिक मोदी। हेलो बापू, मेरा सवाल ये है कि अभी के जो हमारे यंग नेता है अल्पेश, जिग्नेश और हार्दिक, उनकी इलेक्शन से पहले उनकी खुद की पब्लिक है, उनको लोग फॉलो करते हैं, कांग्रेस छोड़ने के बाद कौन सी पब्लिक है जो अभी भी आपको फॉलो करती है? देखिए फॉलो पार्टी को लोग करते सही बात है, और पार्टी के फॉलो करने के बाद पछताते हैं वो भी सही बात है। आप एक्स को वोट देते हैं, गवर्नमेंट बनती है, फिर 1 महीने में उसके खिलाफ क्यों धरने पर बैठते हैं, क्यों उपवास करते हैं, इसका मतलब कहीं ना कहीं आपका दिमाग कहीं स्क्रू ढीला होगा कि गलत नहीं होना चाहिए, फिर भी आप करते हैं, सरकार भी आप बनाते हैं, विरोध भी आप करते हैं, तो इस हिसाब से फॉलोइंग अलग बात है, चीज जो आपकी होती है वो गलत नहीं होनी चाहिए, वो प्रो पीपल है क्या, लोगों के लिए कोई भी बात है इसके लिए संख्या का मतलब नहीं है, फॉलोइंग का मतलब नहीं है, आज नहीं तो कल लोग समझेंगे। जैसे मेरा अभी ये सिस्टम ऑफ द सिलेक्शन ऑफ द कैंडिडेट क्या सही है क्या, जिसको ठीक लगे वो टिकट देगा क्या, कार्यकर्ता ऑफिस तोड़ेगा सही है क्या, क्या बीजेपी में बीएसएफ बुलानी पड़े कमलम को बचाने के लिए सही है क्या, अगर ये सही नहीं है तो ये तो बहुत बड़ी पार्टी का फॉलोइंग वाले लोग है, तो क्यों ऐसा हो रहा है, इसका मेरा प्रॉब्लम है, वो नहीं होना चाहिए। निखिल शाह जी, आई हैव अ क्वेश्चन फॉर द वघेला जी। आपने जो बताया कि आज के कैंडिडेट्स दे आर ऑलमोस्ट लाइक अ बेसलेस, दे आर रनिंग फॉर द मनी, आप जो बात कर रहे हैं जैसे गांधी जी के समय की बात कर रहे हैं, तो क्या आपको लगता है कि आए दिन में गुजरात में या भारत में इस प्रकार के पॉलिटिशियन हमको मिलेंगे? देखिए मैं 75 से काफी एक्टिवली मोर्चा यहां बना, 77 में जस्ट फॉर योर इंफॉर्मेशन हमारे रामदास भाई परीख थे, रामलाल परीख विद्यापीठ के चांसलर थे, जोली लेकर सभा के बीच जाते थे, लोग वोट भी देते थे नोट भी देते। 77 में मैं जनता पार्टी का कैंडिडेट था,
लोगों ने वोट भी दिए नोट भी दिए. मौका अनेक केजरीवाल का क्या था, 10 लाख चाहिए, अगर 11 लाख आए तो 1 लाख का चेक वापस देता था. ये 2-3 साल की बात है. हिंदुस्तान के जनता को अंडर एस्टिमेट नहीं करना चाहिए. लोग जब दिमाग टेढ़ा कर देते हैं ना तो अपने हिसाब से वोट भी देंगे नोट भी देंगे. ये जो नोट भी देंगे वोट भी देंगे जो सिद्धांत वाली राजनीति है, इस तक पहुंचते पहुंचते आपको 77 साल क्यों लग गए, पहले कर लेते? वो मैं देखिए, ये इससे फर्ज कीजिए, जयप्रकाश नारायण तो आराम कर रहे थे, ये जो बाबा थे वहां महाराष्ट्र वाले बाबा टोपी वाले अन्ना हजारे वो भी आराम कर रहे थे. यानी कि मौका आने पर यही लोग काम में आते हैं. तो ये जो है ना प्रोसेस सीखने का होता है, सीखने के लिए अनुभव मस्ट है और अनुभव लेना पड़ता है. बीजेपी का अनुभव मैंने लिया है, मैं ऐसे कहूंगा तो किसी को मतलब नहीं है. कांग्रेस का अनुभव हमने लिया है. लेने के बाद इतनी एक्टिवली पॉलिटिक्स लाइफ के बाद भी हमने कहा कि छोड़ दो पॉलिटिकल पार्टी, इसमें नहीं पढ़ना है, बस छोड़ बहुत हो गया. इसके बाद भी हम आए कि दोनों पार्टियों से लोग दुखी थे, आज भी दुखी है. क्यों है? विकल्प नहीं है. इसलिए अगर विकल्प होता है तो लोग उसमें जरूर अपने आप जाते हैं. तो बीजेपी में सत्ता का सुख होगा, कांग्रेस में सत्ता का सुख होगा, अब आप सिद्धांत की राजनीति की बात कर रहे हैं, तो कोई ये नहीं कहेगा कि 900 चूहे खा के बिल्ली हज को चली? ये जो है ना बीजेपी को आप भी जानते हैं, भारतीय जनसंघ में कहां सत्ता थी, अब बताइए जनसंघ का कहां सत्ता थी, बीजेपी बनी उसके बाद कहां सत्ता थी? ईट ईट रखकर, गांव गांव घूमकर, चने खाकर, ड्राइवर की सीट में से गर्मी में एसटी में ऐसे घुसकर बैठना, ये बीजेपी बनी है. सत्ता का सुख नहीं था उसमें, खाने का भी नहीं था. एक साइकिल थी, साइकिल गाड़ी एक आए तो लग्जरी समझते थे. और कांग्रेस के खराब दिनों में हम साथ में रहे और एक भी सीट हमने नहीं मांगी कि हमको अध्यक्ष बनाओ या मंत्री बनाओ. ये जो होता है ना, हमारा इंटेंशन क्लियर होना चाहिए. इसके बाद और भी कांग्रेस में रहते हो तो इन्होंने कहा था कि भी आएगा बहुमत तो आपको सोचेंगे, राज्यसभा की ऑफर हमको किया था. ये होता, ये करना पड़ता तो बीजेपी में भी हम दुखी नहीं थे, बीजेपी में तो कोई प्रॉब्लम नहीं था हमको. लेकिन जब विद इन पार्टी कॉन्स्पिरेसी और पार्टी टू पार्टी मैच फिक्सिंग, कोई ना कहे कि पार्टी में कॉन्स्पिरेसी नहीं है, कोई मेरे को ना कहे कि पार्टी टू पार्टी मैच फिक्सिंग नहीं है. हमने रजत जी पूरी लाइफ में अपने कार्यकर्ता किसी को भी कॉन्स्पिरेसी में नहीं डाला. अब ना आपके खिलाफ कॉन्स्पिरेसी किसने की कांग्रेस में? कांग्रेस में तो किसी ने नहीं किया, लेकिन जो करने वाले थे इन्होंने कहा कि ये करिए, नहीं किया. और जो दोस्ती हुई आपस में, हमको लगा कि इसमें अब रहना ठीक नहीं है. देखिए अब तो आप कांग्रेस में नहीं, आप लोगों को बता सकते हैं कि अहमद पटेल ने बाजी मार दी? देखिए वो एक ही एक घड़ी का पेंडुलम उधर बीजेपी में भी जाता है, कांग्रेस में भी जाता है. कहूंगा तो मैं दोनों के लिए कहूंगा और वो अच्छा नहीं रहेगा. इसलिए कई बातें पर्दे में रहे तो अच्छी है. एक सवाल नारायण भाई खोलिया का है. कि महेंद्र सिंह वाघेला का अभी भविष्य क्या है? उत्तर गुजरात में लोग कह रहे हैं कि बापू ने महेंद्र सिंह का भविष्य क्या तय किया. ठीक है, वो कभी वो बीजेपी में होता और कैंडिडेट होता तो ये प्रश्न ही नहीं आता. अभी वो इतना उसका मार्केटिंग बिना मतलब का रहा है. वो दो बार एमएलए रहा है, सीजन पॉलिटिशियन है, उसको भी बात कर सकते हैं. लेकिन जब मैं बीजेपी में, ये जो एलिगेशन करते हैं बीजेपी की बी टीम है, वो बीजेपी में कैंडिडेट होते तो बी टीम का धप्पा लग जाता. लोग ये नहीं समझते कि आप अलग अलग भी रह सकते या हो सकते. इसलिए हमने कहा कि अभी कैंडिडेट नहीं बनना है, हमारा जो काम है वो करिए. तो भविष्य ये नहीं होता है कि आप एमएलए है तभी भविष्य कोई एमपी एमएलए से होता है क्या? भविष्य किसी पोस्ट से भविष्य को नहीं वो करना चाहिए. अपने एक्ट से आप भविष्य को बनाइए. भविष्य अभी धीरूभाई अंबानी जो थे वो भविष्य किसने, कोई एमपी थे क्या? एमपी बनाने वाले थे वो, इसलिए वो अलग बात है. कोई एमपी हो एमएलए हमारी नजर राजनीति में तो भविष्य एमएलए एमपी मंत्री बनने से होता है. नहीं जरूरी नहीं. अब वो उनका सवाल ये है कि आपके चक्कर में आपके बेटे का राजनीति खराब हो गई. कोई बात वो बड़ी बात नहीं है. देखिए कल बहुत बड़ी बड़ी चीज है टुमारो, इसलिए वो बड़ी बात नहीं है कि भी वो एमपी एमएलए बने तभी वो भविष्य होता है. भविष्य का डेफिनेशन इससे नहीं जोड़ना चाहिए, चाहे राजनीति में भी. एक सवाल कमलेश सुरती का है. बापू नमस्ते. बापू मारी उम्र 40 वर्ष नी छे अने दर 10 वर्ष पछी हूँ बापू ने कसे अलग अलग पार्टी में जोउ छू
હવે આ વિકલ્પ પછી એના પછીનો બી કઈ વિકલ્પ છે આપણો? આ જે વિકલ્પ છે, મેં હિન્દી મેં બોલુંગા, તેની બાત સહી આપકી, આપકી જો બાત હૈ ના, એ જો મેને કહા પ્રોસેસ જો હો રહા હૈ ઇસમે યે હમને ફ્રન્ટ બનાયા હૈ, પાર્ટી નહીં બનાઈ હૈ, જન વિકલ્પ ફ્રન્ટ મોરચા હૈ, ઓર મોરચા મેને અપને અલગ ટ્રસ્ટ કે નીચે બનાયા હૈ, મોરચે કી એક્ટિવિટી ચલતી રહેગી, પોલિટિકલ પાર્ટી હમ જોઈન નહીં કરેગા એસા સબકો કહા થા, ઇસલિયે ફ્રન્ટ બનાયા, પોલિટિકલ પાર્ટી મેં હમ નહીં ગયે, ઇસ હિસાબ સે યે ફ્રન્ટ પરમેનન્ટ રહેગા, ઓર કોઈ ઇધર યા ઉધર મતલબ કહીં જાના હૈ આના હૈ એસા નહીં હૈ, વો બંધ નહીં હોગા, વો ચલતા રહેગા, આપ ભી બાદ મેં આકર મેરે સાથ બાત કર સકતે હૈ, ભી આપકો જન વિકલ્પ કી એક્ટિવિટી ક્યા કિયા। ये सवाल इसलिए उठ रहे हैं शंकर सिंह जी, क्योंकि आज लोगों को लगता है कि कांग्रेस के पास में मुख्यमंत्री पद का कोई चेहरा नहीं है, और नरेंद्र मोदी के जाने के बाद बीजेपी में ऐसा भी कोई बड़ा चेहरा नहीं है जिसका इतना प्रभाव हो। अगर आप रहते इन दोनों में से किसी एक पार्टी में तो आप बड़े प्रभावी मुख्यमंत्री हो सकते थे। देखिए, ये जो रजत जी है ना, ये नाम वाला, ये अमेरिकन प्रेसिडेंशियल पैटर्न नहीं है, यहां ये तो अपने अपने मार्केटिंग के हिसाब से ये सीएम या वो सीएम, हम तो एमएलए इलेक्ट करते हैं, हम एमपी को इलेक्ट करते हैं, और एमपी एमएलए अपने नेता को इलेक्ट करते हैं, इसलिए ये जो है ना, ये सीएम का चेहरा हो, वो सीएम का चेहरा हो, कई चेहरे ऐसे आते हैं जो कभी इन्होंने सोचा भी नहीं होगा, इसलिए एडवांस में कोई सीएम का कहना करना वो ठीक नहीं होता है। लेकिन आपको ये तो दुख तो होता होगा कि ऐसी परिस्थिति में भी आप मुख्यमंत्री नहीं बन सके, बने होते तो गुजरात का थोड़ा भला कर देते। जिसको ये होता कि कुछ न बने तो अलग बात है, आई एंजॉयड द पोजिशन, दोनों पार्टियों में अच्छी अच्छी पोजीशन एंजॉय किया है, तो कोई वो पछतावा नहीं है, न बीजेपी का पछतावा है, न कांग्रेस का पछतावा है, जो भी निर्णय लिया है पूरा सोच समझ कर लिया है। तो आपका आशीर्वाद किसको मिलेगा, राहुल गांधी को? गुजरात की जनता को, गुजरात की जनता को। शंकर जी, आप आए चुनाव मंच में, आपने बहुत सारे सवालों के जवाब दिए कठिन परिस्थितियां होते हुए, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। आपको भी शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू। शंकर सिंह वाघेला के लिए जोरदार तालियां, बहुत बहुत धन्यवाद। तो गुजरात चुनाव पर इंडिया टीवी के स्पेशल शो चुनाव मंच में शंकर सिंह वाघेला ने कांग्रेस पर बड़ा हमला बोला है। उनके तमाम जवाबों को आपने सुना। वाघेला ने कहा कि गुजरात में बीजेपी की जीत खुद कांग्रेस ने ही सुपारी ली है, और कहा कि गुजरात में नरेंद्र मोदी ने कांग्रेस की बुरी हालत कर दी, उसे माइनॉरिटी बना दिया। जिग्नेश हार्दिक के साथ आने पर भी उन्होंने कांग्रेस को निशाने पर लिया। वाघेला ने कहा कि इतनी पुरानी पार्टी होने के बावजूद भी कांग्रेस हार्दिक जिग्नेश के तलवे चाट रही है। साथ ही कहा कि जिग्नेश और हार्दिक के साथ राहुल को खड़ा कर कांग्रेस ने उनका कद कम कर दिया। राहुल गांधी की ओर से आज कल में हो रही बयानबाजी पर भी वाघेला ने हमला बोला। वाघेला ने कहा कि राहुल को पीएम मोदी पर हमला करने से बचना चाहिए, और कहा कि गुजरात में राहुल का सॉफ्ट हिंदुत्व किसी भी सूरत में काम नहीं आएगा। लेकिन शंकर सिंह वाघेला ने यह दावा भी किया कि राहुल के अध्यक्ष बनने से कांग्रेस को फायदा होगा। कांग्रेस में कैंडिडेट के सिलेक्शन पर भी वाघेला ने सवाल उठाए। वाघेला ने कहा कि कांग्रेस में आखिरी समय में ही क्यों उम्मीदवार बदल दिए जाते हैं। वाघेला ने इलेक्शन में होने वाली फंडिंग पर भी सवाल खड़े किए। शंकर सिंह वाघेला ने कहा कि गुजरात में चुनाव में बीजेपी 500 करोड़ और कांग्रेस 300 करोड़ खर्च करेगी। साथ ही वाघेला ने दावा किया कि कांग्रेस ने उन्हें राज्यसभा टिकट का ऑफर भी दिया था। तो ये आपने चुनाव मंच में गुजरात के चाणक्य शंकर सिंह वाघेला को सुना।